एक बार हमारे सिस्टम के लिए जोरदार शोर हो जाए यार। रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। दोस्तों तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है बहुत ज्यादा मजेदार, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एलविश यादव के मीटअप में, जो कि है गुड़गांव ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे उनका मीटअप होने वाला है और वहाँ जाने वाले हम। पहली बार मैं गुड़गांव में जाऊँगा दिल्ली से, वो भी इन भाई के साथ। तो चलते हैं वहाँ। वो एक बार जो उनका मीटअप हुआ था रिठाला में वो कैंसिल हो गया था, और अब दूसरा मीटअप उनका अभिनंदन समारोह, तो उसके लिए हम जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे खुद एलविश यादव भी होंगे। तो कोशिश तो करेंगे मिलने की, बट जैसा भी होगा बता देंगे सीन, जैसा भी होगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ ऐसी जगह पे मुझे देखो, तो यहाँ से हम जाने वाले हैं राजीव चौक, राजीव चौक से येलो लाइन, इनसे हम जाने वाले हैं IIFC चौक, वहाँ से हम बैटरी करके जाने वाले हैं। मीटअप है तो बस ब्लॉग में बने रहो, और ब्लॉग में अगर नए हो मेरे चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और चलते हैं देखते हैं। तो गाइस अभी हम इफ्को चौक IIFC चौक जो है वो उतर चुके हैं वहाँ पे, क्योंकि देखो लास्ट मेट्रो यहीं तक आती है, यहाँ से मेट्रो एंड हो जाती है। अब यहाँ से हम ऑटो में बैठ के कुछ भी करके हम जाने वाले हैं ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो स्टेडियम जहाँ पे मीटअप होने वाला, और मीटअप बहुत तगड़ा होने वाला है। अभी मैंने कटारे भाई की स्टोरी देखी, बहुत तगड़ा सेटअप लगा हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली है, बढ़िया बढ़िया क्या क्या चीज़ें इस बार होगी, कौन कौन आ रहा है, सबको व्लॉग में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट व्लॉग को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं फटाफट, ठीक है फटाफट। तो गाइस फाइनली हम उतर चुके हैं IIFC मेट्रो स्टेशन से। देखो मेट्रो स्टेशन कुछ ऐसा था और बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं पहले ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे मीटअप है। ये देखो रश, ये देख सकते हो, बहुत बढ़िया मीटअप होने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार, क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो। थोड़े मेरे बाल बड़े हो रहे तो संभल में नहीं आ रहे, इग्नोर करना। बाकी इधर का देखो स्टेशन, ये देखो ये तुम्हारा वो है, ये मॉल भी, और मॉल के अंदर ही तुम्हारा मेट्रो स्टेशन है, ये देखो शायद मॉल ही है। बाकी जैसा भी ब्लॉग होगा आई होप बढ़िया होगा, बाकी चलते हैं देखते हैं, ठीक है। तो गाइस हमने ऑटो कर लिया, यहाँ से हम जाने वाले हैं ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, होगी जहाँ पर मीटअप होने वाला बहुत तगड़ा। और गुड़गांव में हम एंटर कर चुके हैं और बहुत बढ़िया माहौल होने वाला है। तुम्हारे लिए इतनी दूर आए हूँ तो फटाफट यार ब्लॉग को लाइक कर देगा, और इतनी मेहनत करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्या करना होता है, ब्लॉग को लाइक करना होता है, छोटा सा कमेंट करना होता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बस इतना करना होता है। लेकिन यार गुड़गांव का माहौल बहुत बढ़िया है, ये देख सकते हो, और अपने अंकल जी जो फोटो चला रहे हैं। बाकी चलते हैं एंड देखते हैं कि सिस्टम क्या हैंग करना है आज हमें। सिस्टम तो हैंग करना है, करना है कि नहीं भाई, करना सिस्टम हैंग करना है आज के ब्लॉग में, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और थोड़ा धूप भी बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, मजा आने वाला है, सिस्टम से मिलने वाले, सिस्टम हैंग करने वाले। तो फटाफट बने रहो चैनल पे, बस वीडियो को देखते रहो पूरी एंड तक, ठीक है। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम, देख सकते हो ये रहेगा एंट्रेंस, यहाँ से एंट्रेंस होती है। तो अंदर देख लो, यहाँ से भी सिस्टम देखो कौन आएगा, ये हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर, शायद इनका यही नाम है, हाँ मनोहर लाल खट्टर। ये देख सकते हो एलविश भाई के पोस्टर लगे हुए, तो मतलब समझ रहे हो ना कितना तगड़ा व्लॉग होने वाला है, और भाई बहुत ज़्यादा मजा आना, मतलब क्या कह रहा हूँ, जो हमने रिठाला वाला व्लॉग में जिसने मेरा रिठाला वाला व्लॉग देखा था ना, उससे भी तगड़ा इवेंट होने वाला है ये, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है गाइस। तो मैं क्या बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला दोस्तों, सिस्टम हैंग होने वाला है, यहाँ का चक्का जाम होने वाला। बाउंसर्स देखो कितने सारे आ चुके, पहली ये देख सकते हो बाउंसर्स। और भैया हाय कर दो थोड़ा वीडियो में,
ये देखो सिक्योरिटी बहुत टाइट है क्योंकि एल्विस भाई के पब्लिक तुम्हें पता कैसी है, कट्टर फैन है एल्विस भाई के, सिस्टम हैंग करने वाली पब्लिक है, सिस्टम हैंग करने वाली जनता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, मजा बहुत आने वाला है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंटरव्यू पे इंटरव्यू चल रहे हैं यहाँ पे, बाकी अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्या सीन है, ठीक है। तो गाइज ये ताऊ देवीलाल जी जिनके नाम पे स्टेडियम बना है पूरा, इनका इनकी मूर्ति यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है। तो आज है अभिनंदन समारोह एल्विस भाई का इस वाले स्टेडियम में, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, और बहुत ज्यादा मजा आने। हाँ भाई सिस्टम के फैन हो, सिस्टम तो उत्तराखंड से भाई, ये देखो भाई, ये अपना भाई इधर आना, ये भाई अपना, ये भाई कहाँ से आयो? उत्तराखंड से। ये देखो एल्विस भाई के कितने कट्टर फैन है जो उत्तराखंड से भी है। सही है भाई, मजाक सट के कह रहा हूँ, मजाक सट के मैं भी कह रहा हूँ भाई। अब इस भाई के लिए तो लाइक बनता है भाई, लाइक के लिए बोल दो एक बार, ठीक है भाई, लाइक करो सब्सक्राइब करो भाई, इस भाई के लिए लाइक करो। तो बंदा उत्तराखंड से, हम तो फिर भी दिल्ली से आ रहे भाई, ये भाई उत्तराखंड से पड़ेगा, तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। देख लो भाई सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, देख लो एल्विस भाई के कितने कट्टर फैन है। तो भाई तुम्हें खुशी हुई थी जब एल्विस भाई बिग बॉस जीता था? भाई बहुत खुशी हुई थी, अविनाश के साथ जो लड़ाई हुई थी उसके देख के और मजा आया था मुझे। वो तो उनकी तो राइवलरी चल रही है भाई अभी भी, तो हर एक तो पे तीन थप्पड़ है सिस्टम है। तो भाई मजा बहुत आने वाला है व्लॉग में, बस बने रहो तुम। तो भाई ये स्टेडियम है जहाँ पे मीटअप होने वाला है, सामने स्टेज लगा आप देख सकते हो, ये देखो क्रिकेट ग्राउंड है वैसे, ये यहाँ पे स्टेडियम और यहाँ बना रखा है बंदे बंदों के लिए, देखो ये पूरा ग्राउंड है, यहीं होने वाला आज का मीटअप एल्विस भाई का, ये देख सकते हो स्टेज बहुत तगड़ा, मतलब बंदों ने, मतलब एल्विस भाई ने बहुत तगड़ा इंतजाम कर रखा, पुलिस वुलिस बहुत ज़्यादा पुलिस आ रखी है, देखो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आ रखी है। तो आज का जो व्लॉग होने वाला भाई, आज का जो मीटअप होने वाला बहुत तगड़ा होने वाला, बहुत तगड़ा, मिस मत करना, एक एक पार्ट मिस मत करना मेरा, स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखना, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। बाकी अभी जो क्राउड होता है थोड़ा, अभी तो भीड़ कम है क्योंकि हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, 3 घंटे पहले आ गए, क्योंकि हमें थोड़ा कोशिश करेंगे आगे जाने की, बट जैसा भी होगा तुम्हारे सामने होगा, बाकी दिखा देंगे, बाकी मिलते हैं, ठीक है। गाइस अभी हम एंटर कर चुके हैं स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम का सीन देखो यार, स्टेडियम कैसा है यार, वहाँ पे यार स्टेज लगा हुआ है, अभी वहाँ जाएंगे हम, स्टेडियम देखो क्रिकेट ग्राउंड है वैसे ही, और अभी भी लाइट चालू है यहाँ पे देख सकते हो, जो इनके स्टेडियम की लाइट होती है वो चालू कर चुके हैं, और मौसम तो अभी काफ़ी प्यारा है, बट थोड़ी धूप ज़्यादा है, इतना ही कहूँगा। अरे थोड़ा ब्राइटनेस कम करो, बस थोड़ी धूप ज़्यादा, अब थोड़ा, ये देखो मेरे बोलते ही कम करते हैं, ये देखो थोड़ा माहौल देखो यार, विव देखो, ये देखो, ये देख रहा हूँ एल्विस भाई के पोस्टर हर जगह भाई, मज़ा आ जाएगा ब्रो, मज़ा आ जाएगा भाई, आज के मीटअप में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, बस वायरल करा दो भाई, तुम वायरल ही तो नहीं कराते, क्या करूँ मैं भी यार, सिस्टम तुम भी यार, लेकिन वीडियो में बने रहो, वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है, व्लॉग बहुत अच्छा बनने वाला, कोशिश करूँगा कि ये पार्ट दो पार्ट में मैं व्लॉग को बनाऊं पूरा कंप्लीट करूं। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सामने स्टेज है और इसके पीछे पवेलियन है, क्रिकेट पवेलियन जिसे कहते हैं, अगर जो क्रिकेटर है, जो क्रिकेट देखता है उसको समझ, उसको पता होगा कि पवेलियन क्या होता है। तो चलते हैं देखते हैं स्टेज के सामने जाके, बाकी अभी तो 2:30 बज रहे हैं, अभी 2.5 घंटे हमारे पास है, 5 बजे मीटअप स्टार्ट होने वाला है और 2 घंटे का मीटअप है, 7 बजे तक मीटअप है, एल्विस भाई आने वाले और कुछ ऐसा रूट बना रखा चलने के लिए देख सकते हो सामने, बाकी व्लॉग में बने रहो, व्लॉग को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी मिलते तुमसे भी आगे जाके, ठीक है। तो गाइस देखो सामने में स्टेडियम स्टेज है, स्टेज के सामने आ चुके हम, और यहाँ पे अभी सीएम आने वाले हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के सीएम है, आएंगे शायद मेरे ख्याल से, तो वो भी आएंगे, उनको भी दिखाएंगे हम आपको। भाई क्राउड देखो, बाउंसर देखो, ये देखो यूट्यूबर ही यूट्यूबर है चारों तरफ, यूट्यूबर अभी तो कम है, पूरा भर जाएगा भाई, पूरा भर जाएगा, एल्विस भाई के इतने फैन है ना, पूरा भर जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा, मज़ा बहुत आने वाला है। ये देखो यूट्यूबर ये सारे सिस्टम के फैन, ये देखो सिस्टम के फैन है सारे, बाकी अभी और भी चीज़ें जो भी होगी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, बस चैनल पे बने रहो बस। तो भाई ये अपने भाई लोग हैं, कुछ कहाँ से हो भाई? भाई मैं गुड़गांव से ही हूँ भाई, गुड़गांव से ही, मतलब लोकल बंदे सारे यहाँ के, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता।
भी है। भाई की मम्मी का हैप्पी बर्थडे। यूकिता वर्ल्ड भाई मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो सारे जाके, और जितने भी देखने वाले हैं वीडियो भाई सिस्टम है भाई, सिस्टम है। वो सलमान खान क्या कह रहा था, 500-500 में खरीदा बोला, सलमान खान को भी नीचे रहना पड़ेगा, सलमान खान का सिस्टम एंग कर देंगे, पहले सलमान खान की आंख एक तो पे तीन थप्पड़ है भाई, क्या कर रहा है, क्या खरीदा था, साले सलमान खान को इलविश यादव जुत्ती के नीचे रखता है, क्या है सलमान खान, कौन जानता है साले को, हम तो इलविश को जानते हैं, साले धूम में खड़े हैं, अभी यादव के पापा आए हुए हैं, देखो भाई मेरे सिस्टम हैंग हो गया भाई, ये देखो भाइयों भैया की सारी टीम है जी, ये देखो जी, आप समझ लो इवेंट चालू हो गया भाई, मीटअप चालू हो गया, मिलने के लिए बंदे आएंगे वाला, बस थोड़ी सी देर पहले रहिए वीडियो में लास्ट तक, ये देखो भाइयों, ये देख लो जी लुश भाई, और साथ में कंधे से कंधा मिला खड़े थे भैया के, ये देखो भाई, ये भाई एलवी शादी के पापा पिताजी, ठीक है, और भाइयों इलिश भाई के पिताजी भी बात करेंगे उस तरीके से, बात के माइक में बताओ मां जब भाई आ जाएंगे, ठीक है जी, देख लो भाइयों जैसे सिस्टम आ रहे हैं उससे पहले का माहौल देखो, पुलिस वाले आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी आ रहे हैं, इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी है जो बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है, और यहाँ से जो सिस्टम हैंग हो रहा है संभल में नहीं आ रहे, बाकी सेफ्टी से रहना है सबको, पीछे पीछे की तरफ रहना है, और फिर धीरे धीरे जो जो होने वाला है आज की शाम में भाई मजा मान देंगे सारे भाई मिलके, समझ रहे हो भाई, प्लीज पीछे पीछे ऊपर मत चढ़ो, समझो थोड़ा सा जो कह रहे हैं सर जी, जो कह रहे हैं प्लीज सुनिए इनकी, पीछे पीछे हो जाइए, वरना हमें बीच में इवेंट बंद करना पड़ जाएगा पिछली बार की तरह यार, समझा करो, ठीक है सिस्टम है, अभी एलविश आएगा,
बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट हमारे यार दोस्त भाई सारे आएंगे। मैं चाहता हूँ आप भी यहाँ पे खड़े रहो जब तक भाई के गैल, तुमने ट्रॉफी तो जितवाई थी और दिल भी जीत लिया भाई का, समझ रहे हो? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था आपने। बहुत बढ़िया भाई, यही एनर्जी रखनी है पूरे शो में, ठीक है ना? और सबको देख के रहना है, जितने भी आप लोग आए हो, जितने भी एल्विस को आशीर्वाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और एक बार अंकल के लिए नारा लगा दो। आप लोगों के बीच आए हैं, एल्विस जी की पट्टी है, कैसे हो सारे? ठीक हो? 30 दिन बाद आया मैं बाहर, है थोड़ी भाई की चिंता? कर दिया सिस्टम हैंग। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला मेरे लिए इस मीटअप के लिए। पिछली बारी मैं मौजूद नहीं था रोहिणी में जो हमारा मीटअप हुआ था, बट उसकी कमी आज आप लोगों ने पूरी कर दी। और इस अभिनंदन समारोह में अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, और इनके स्वागत में भाई तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां।